याद है मुझे वो 9 सितंबर 2018 का दिन। हाँ याद है मुझे वो 9 सितंबर 2018 का दिन जब मेरा एक्सीडेंट हो जाना। मेरे एक्सीडेंट में मुझे इतनी चोट लग जाना कि मानो एक कुछ हफ्तों तक तोड़ना नामुमकिन सा हो गया था। फिर मुझे लगी काफी चोट थी, मैंने वो चोट की फोटोज लगाई स्टोरी पर थी। यूं तो मेरी स्टोरी देखकर मेरे सारे दोस्त मायूस थे, लेकिन शायद उसकी मायूसी थोड़ी अलग थी। उसकी ये केयर थी, ये प्यार था उसका या नॉर्मल केयर थी मुझे नहीं पता। उसका प्यार था ये नॉर्मल केयर थी मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी थी बहुत ही अजीब थी। फिर उसका इतनी नॉर्मल इतना केयर करना, उसका हर समय मुझसे पूछना कि दवाई ली या नहीं, खाना खाया या नहीं, या मेरी चोट में आराम पड़ा या नहीं। अगर मैं उसके इन सारे सवालों के लिए हाँ बोल देती तो वो खुश हो जाता, और शायद ना बोल देती तो मुझे ही फटकार लगा जाता। मुझे पता ही नहीं चला कि उसकी ये केयर कब मुझे उसकी तरफ खींचती चली गई और कब मुझे उसका अपना बनाती चली गई। फिर जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया मेरे उस वक्त, जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया उस वक्त कि क्या कहते हैं, उसने जब वो मेरी जिंदगी में आया तो उस वक्त मैं कुछ ऐसी थी कि मानो जिंदा लाशी थी। जिस टाइम वो मेरी जिंदगी में आया तो उसने मुझे जिंदा लाश को शायद मुझे एक जिंदगी दी थी, और क्या कहते हैं, और उसका मतलब जब वो ऑनलाइन आता तो हमेशा उससे ही बात करते रहना, जब वो ऑनलाइन ऑफलाइन रहता तो हमेशा ही उसका वेट करते रहना, हमेशा उसके साथ ही बात करते रहना, मतलब अपने अच्छे मोमेंट्स सारे अच्छे मोमेंट्स उसके साथ ही बिताते रहना। तो जो भी समय था वो बहुत अच्छा था, बहुत ही अजीज था। लेकिन कुछ वक्त बाद उसने मुझे प्रपोज किया। शायद उसका प्रपोज मैं कहीं ना कहीं उससे प्यार करती थी, लेकिन संग मेरे जो था वो मेरा ईगो था। मैंने उसे उसी ईगो में रहकर ना तो कर दिया, और वो मुझसे दूर भी चला गया। बातें खत्म, मुलाकातें खत्म, सब कुछ खत्म, बातें खत्म, मुलाकातें खत्म, सब कुछ खत्म। फिर जब वो मुझसे दूर गया तो पता चला कि जो वो करता था वो प्यार ही था। जो उसकी मुकम्मल मुलाकातें थी, जो उसकी अधूरी बातें थी, हाँ वो सब प्यार ही था। तो हुई अफसोस मुझे अपनी गलतियां थी, हुई अफसोस मुझे अपनी गलतियों का था। फिर मैंने ही उसे प्रपोज किया था। जब मैंने उसे बताया कि हाँ मैं भी करती थी प्यार उससे, तो उसका चेहरा मानो जैसे एक फूलों के बगीचों की तरह खिला था। फिर वो खुश हुआ मेरे इस बात से, बताई उसने मुझे भी बहुत कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं उन बहुत कुछों के पीछे था जो कुछ अधूरा सा था। शायद वो ना बता सका मेरे सामने, बयान ना कर सका मेरे सामने, लेकिन उसकी खामोशियों ने सब मुझे बता दिया था। फिर मैंने उसे बताया कि उसके दूर जाने के बाद उसने मुझसे पूछा कि जब तूने ना कह दिया तो अब आए क्यों मेरे पास। तो फिर मैंने उसे बताया कि उसके जाने के बाद वो मेरी जो अधूरी अधूरी जिंदगी थी शायद वो उसके साथ रहने से थी। फिर मैंने उसे बताया कि रातों को जगना, उसकी प्रोफाइल फोटोज देखना, उनको चूमकर सो जाना, शायद वही मेरा प्यार था, वही मेरी जिंदगी थी जो कि उसके बिना अधूरी थी। थैंक यू गाइस। रिकॉर्ड योर पोएट्री, शायरी, स्टोरी विद म्यूजिक ओनली ऑन नोजोटो ऐप। डाउनलोड द ऐप नाउ।